गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी रेडी सेडी हो जाती हूँ तो अच्छा लगेगा। बिंदी निकल गई थी, मैं अभी बिंदी लगा रही हूँ। बिंदी लगाते से ना फेस पे एक अलग सी रौनक आ जाती है। सो थोड़ा सा मेकअप मैंने कर लिया। अभी रुद्रांश को मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। सुबह सुबह उसके इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं, सारे क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ता है। अगर नहीं मैं दूंगी ना तो गुस्सा हो जाता है फिर मेरे से, और फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है। सो अभी सब टिफ़िन वगैरह इनके लिए बन गया है, दोनों को टिफ़िन पैक कर दिया है। मम्मी पीछे भाग रही हैं और ये भी भागने में लगी हुई हैं। ये 10 बार किचन में जाते हैं और 10 बार रूम में आते हैं अपना सामान रखने के लिए। और सुबह सुबह ऐसी ही भाग दौड़ सारे घरों में चलती होगी जब बच्चे स्कूल जाते हैं एंड हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। सो मेरी भी सुबह अच्छी भाग दौड़ हो जाती है। और मम्मी अभी यहाँ पर रुद्रांश को शूज़ पहना रही हैं क्योंकि रुद्रांश बिल्कुल रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? रुद्रांश जा रहा है आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल, है ना, एक हफ्ते बाद स्कूल जा रहा है। उसके भी थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो आज स्कूल जा रहा है। हैप्पी? यस, देखो ये दोनों तो गए, एक ऑफिस एक स्कूल। मम्मी देख रही है टीवी में मेरा ब्लॉग जो रिसेंटली मैंने अभी डाला है। मम्मी ब्लॉग देख रही है और लग जाती है अपने घर के काम पे। और ना आज सुबह से ही ना बारिश हो रही तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी भी हल्की हल्की सी हो रही है, मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो रहा है। मैंने ना कल रात में कपड़े धुलकर डाले थे बट मौसम ऐसा हो गया ना तो सूखे ही नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ रुद्रांश लेने के लिए स्कूल से एंड पता है बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो मुझे छाता लेके निकलना पड़ा है। बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। इससे पहले ना मैं इतनी बारिश में कभी घर से बाहर नहीं निकली तो मैंने कभी नहीं देखा था कि सड़कों पे इतना ज़्यादा पानी भर जाता है। न्यूज़ में सुना था बट आज मैंने आंखों से देख भी लिया है। तो ये देखिए बारिश कितना बुरा हाल हो रखा है, सड़क पे पानी भर गया और जिन लोगों ने शूज़ पहने थे उनके शूज़ वगैरह सब में पानी भर गया। तो मैं चप्पल पहन के गई थी तो मेरे भी सारे कपड़े गीले हो गए। तो देखिए सड़क कितनी भरी हुई है पानी से। ओह माय गॉड, कितना सारा पानी भरा हुआ है, मेरे तो आधे आधे पैर डूब गए थे पानी से। और मेरा ना पजामा भी आधे से ज़्यादा गीला हो गया है, पता है आधा पजामा मेरा गीला हो गया है। और इतना गंदा वाला जो पानी है ना, कीचड़ गटर वाला पानी। और गाड़ियाँ भी इतनी निकले, स्कूल के बच्चे भी ना इसी टाइम पे निकलते हैं ना, तो काफ़ी सारी भीड़ भी हो रही है पता है। फर्स्ट टाइम मतलब मैं ऐसे निकली हूँ पैदल, मुझे ये नहीं पता था इतनी तेज़ बारिश होगी और इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो मैं टाइम पर निकली थी बट थोड़ी सी मैं लेट हो गई। चलिए जल्दी फटाफट से पहुँच गए रुद्रांश के स्कूल क्योंकि वो वेट कर रहा होगा ना। और बारिश अभी भी कंटिन्यूसली होए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। अब मैं देखती हूँ तो जान तो दूसरे रूट से लेके जाऊँगी, इस वाले रूट से लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। उसके जूते वगैरह सारे गीले हो जाएंगे एंड उसके घुटनों घुटनों तक पानी है अभी भरा हुआ है। सड़क पे तो पानी नहीं भरा था बट जो छोटी छोटी गलियां रहती हैं गलियों के बीच में ना पानी भर जाता और निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैं पहुँच गई हूँ स्कूल के अंदर। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। अच्छा लग रहा है मम्मा, बैग देखना क्या हो गया बैग में। भैया गार्डन में पूरा तो पानी भरा था। ये देखो कैसे पैंट पकड़ के चल रहा है। यहाँ पे भी देखो दूसरी साइड से आए ना हम लोग, भरा हुआ है पूरा पानी पानी। आगे सीधा चलो, हम उतार लेंगे, आगे चलो, रुको हम गोदी ले ले पीछे। ये देखो हमारा हाल पूरा, इतना इतना मैं गीली हो गई हूँ। आप दिखाओ जरा बाबू कितना गीला हो गया। बाबू तो पूरा जूते गीले हो गए, बाबू के पूरा गीला हो रखा है। रुद्रांश का बैग गीला हो गया है, रुद्रांश भी गीला हो गया, रुद्रांश की मामा भी गीली हो गई है ना। नौकर पापा है? नहीं, नानू नानी है। सारा कीचड़ गटर का पानी सब मैं नहा के आ गए। अभी ये आ गया ऑफिस से तो मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। सो यहाँ पे चाय बन रही है। मम्मी मूंगफली लेके आई थी गीली वाली, मैंने इसको इन मूंगफली को उबाल लिया है और उबली हुई मूंगफली ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। यहाँ पे चाय बन रही है, सब लोग पियेंगे चाय शाम की क्योंकि ये भी ऑफिस से आ गए हैं। और मम्मी बोल रही थी भुट्टे भी बॉयल करने हैं। सो भुट्टे अभी देखेंगे बाद में, जब खाएंगे तो बॉईल करेंगे क्योंकि भुट्टा थोड़ा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा अच्छा नहीं लगता। जब खाएंगे तब उसको बॉईल करेंगे। अभी हमने रिसेंटली ना कंट्री डिलाइट का दूध लेना स्टार्ट किया, सो उसमें काफ़ी सारी मलाई रहती है। सो पहले मैं मलाई को अलग करूँगी। सो अभी मैं इसमें से मलाई निकालूंगी। ये एक पैकेट की मलाई है।
इससे पहले ना हम दूध लेते थे ना, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो रोदांश बिल्कुल भी नहीं पीता था। और बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी रहता है, बच्चों का सभी के लिए ज़रूरी रहता है, बट अभी उसकी बढ़ती उम्र है ना, तो उसको दूध बहुत ज़रूरी है, तो वो पी भी नहीं रहा था। रिसेंटली हम लोगों ने कंट्री डिलाइट से मिल्क लेना स्टार्ट किया है, ये है बफेलो मिल्क। सो उसका टेस्ट थोड़ा ठीक लगा, उसको पी लेता है, तो उसको सुबह शाम मैं दोनों टाइम एक ग्लास दे देती हूँ। सो यहाँ पे दूध मंगाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कंट्री डिलाइट वाला। मैंने आज ये पंख बनाया था, ये बैठने का ऐसे और जो ओढ़ने का। अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है और मैंने इसमें मंगाया रुद्रांश के लिए लंच बॉक्स। सो मैं अभी इसको ओपन करती हूँ। अभी सर्च करने के बाद मुझे ये लंच बॉक्स मिला, अब देखती हूँ मैं कैसा है ये। काफ़ी टाइम से मैं रुद्रांश के लिए अच्छा सा लंच बॉक्स देख रही थी, बट मुझे समझ ही नहीं आ था, तो मुझे ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर कर दिया। और ये है 4 कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स, क्योंकि रुद्रांश के लिए मुझे 2 लंच बॉक्स पैक करने पड़ते, एक उसका फ्रूट ब्रेक होता है और एक उसमें लंच लेके जाना पड़ता है उसको। सो ये मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। और ये देखिए, सबसे नीचे वाला जो बेस है वो प्लास्टिक का रहता है, एंड उसके बाद एक स्टील वाली जो प्लेट है ना वो मिलती है, और उसमें स्पून मिलती है, फॉर्क मिलती है, एंड चॉपस्टिक मिलती है। और उसका ये जो ऊपर का जो कवर रहता है ना वो भी प्लास्टिक का रहता है, और बीच में ये जो प्लेट है ना वो स्टील की रहती है। तो ठीक है, मतलब अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। और इसके साथ एक डिब्बी भी मिलती है जिसमें आप ग्रेवीदार सब्जी रख सकते हो, तो फैलेगी नहीं। और अभी मैं इसको थोड़ा सा चेक करके देख लेती हूँ कि डिफेक्टेड पीस तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप बच्चों के बैग में रखोगे तो लीक हो जाएगा और फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो ये बच्चों को ज़्यादा आप लिक्विड तो दे नहीं सकते हो, वो वैसे भी नहीं खाते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये टिफ़िन ठीक लगा। और अंदर मैंने जब इसको पानी डाल के चेक किया, तो अंदर तो सारे कंपार्टमेंट में पानी चला जा रहा था, बट बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, तो फिर मैंने इसको रहने दिया। और इसमें ना जो गोल डिब्बी मिली हुई थी ना, उसमें मैंने पानी डाल के चेक किया ना, तो उसमें लीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अगर ग्रेवीदार कोई सब्ज़ी रहती है तो आप उसमें रख सकते हो, तो फिर इतना फैले का दिक्कत नहीं रहेगा और बैग भी गंदा नहीं होगा, इसलिए मैंने इस लंच बॉक्स को फिर रिटर्न नहीं किया है। ठीक लगा, अब कल रुद्रांश ये वाला लंच बॉक्स लेके जाएगा। और चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion.